लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में राहत भरी खबर ये भी है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि जो ठीक होकर घर जाने वाले मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब एक 80 साल के बुजुर्ग जो है वो ठीक होकर घर गए थे, और फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अंकल जी का नाम है राम कुमार गुप्ता और इन्हें कोविड-19 हुआ था, लेकिन अब वो ठीक होकर घर जा रहे हैं। इसके अलावा इन्हें मधुमेह भी था, साथ ही साथ जो हार्ट की बीमारी है वो भी थी, किडनी की प्रॉब्लम भी थी, यानी कि काफ़ी समस्याएं थी, काफ़ी बीमारियां थी, लेकिन उसके बाद भी ये कोविड-19 से लड़े और अब ठीक होकर अपने घर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक लंबे इंतज़ार के बाद परिवार वालों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं, एक क्योंकि लड़ने की क्षमता बेहद अच्छी होनी चाहिए तभी इंसान अच्छे तरीके से ठीक हो पाता है। अंकल जी ने काफ़ी अच्छे से कोविड से लड़े और वो अब ठीक होकर घर जा रहे हैं। ये सारा सहयोग, बेसिकली ये सहयोग डॉक्टरों का है। यहाँ का कल्पना चावला हॉस्पिटल जो है, यहाँ के डायरेक्टर साहब, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का जितना भी स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है। डे वन से हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही, शुरू से लेकर अब तक, चाहे वो मेडिकली, चाहे दवाइयाँ हैं, चाहे वो इलाज है, चाहे वो टेस्ट हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं। 24 घंटे हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। उसी सब के चलते आज अगर हमारे डैडी ठीक हुए हैं तो उन सब चीज़ों के कारण ठीक हुए हैं, यहाँ के डॉक्टर्स के कारण ठीक हुए हैं। मैं तहे दिल से यहाँ के डॉक्टर्स का, डॉक्टर लोखेंद्र, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर स्वाति, हमारे डायरेक्टर साहब, जितने भी डॉक्टर गौरव कंबोज, जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्स और जितना भी स्टाफ है, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन सब के कारण, भगवान की दुआओं और उन सब के कारण मेरे डैडी आज ठीक हो गए, यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर घर वापस जा रहे हैं। मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कल्पना चावला के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले भी हमने खबर देखी और अब भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो मरीजों के अंदर भी जो लड़ने की क्षमता है रोग से वो ज़्यादा बढ़ जाती है इस दौरान। देखो, ये तो इनबिल्ट होती है, जो हमारे अंदर एक लड़ने की शक्ति है, एक हमारा जो आत्मविश्वास है, अगर वो मरीज का अच्छा होता है तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि हम आपके सामने एग्जांपल है, राम कुमार गुप्ता जी हैं जो कि लगभग 75 वर्ष के हैं, इनको हाइपरटेंशन की बीमारी है, साथ में शुगर की तकलीफ भी है, इनको बीच में सीवीए भी हो चुका है और साथ में गुर्दे भी कमज़ोर हैं इनके, और इन सब के होते हुए भी, और इनके जब इनको कोविड पॉजिटिव हो गया तो जब ये यहाँ पर शिफ्ट हुए तो इनकी हालत बहुत नाजुक थी। हमें भी अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था कि हम इनको बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, लेकिन हमारे डॉक्टरों की कॉन्स्टेंट मेहनत, लगन और उनकी हिम्मत के साथ हम आज उनको इस स्टेज में लेके आए हैं कि आज ये यहाँ से इनकी छुट्टी हो रही है, अब इनको डिस्चार्ज करें। तो आप देख सकते हैं कि लंबे एक समय के बाद वो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना टाइम पीरियड इन्होंने लिया और कितने समय के बाद ये ठीक होकर घर जा रहे हैं, और साथ ही साथ और कौन कौन सी बीमारियाँ इन्हें थी, उसके बाद भी इनकी जो लड़ने की क्षमता थी रोग से वो ज़्यादा बेहतर थी? बाबू जी 1 अगस्त को हमारे पास आए थे। बाबू जी 74 ईयर्स ओल्ड हैं और बाबू जी को ऑलरेडी सिंस लास्ट 20 ईयर्स ही हैज़ डायबिटीज़, ही हैज़ हाइपरटेंशन, बोथ ऑफ विच आर अनकंट्रोल्ड। ऑल्सो अराउंड 4 ईयर्स बैक ही हैड अ हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, फॉर विच स्टेंट्स वर इंसर्टेड, एंजियोप्लास्टी वाज डन, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन केस ऑफ स्ट्रोक। ही हैड पैरालिसिस ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी, जिसमें बाद में रेजिडुअल वीकनेस भी प्रेजेंट थी। तो ही इज़ मोस्टली बेड रिडन, राइट, एंड स्पोर्ट के साथ बाबूजी चल लेते हैं। हमारे पास आए थे बाबूजी जब इनका सांस फूल रहा था, उसके लिए हमारे पास आए थे बाबूजी, और सांस फूलने के साथ साथ जब बाबूजी हमारे पास आए थे, इनका बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था, ही वॉज इन शॉक। तो जब इनको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो ही वॉज फाउंड टू बी कोविड पॉजिटिव, और साथ में जो शॉक था दैट वॉज अ मिक्स शॉक, बाबूजी का कार्डियोजेनिक शॉक और साथ में सेप्टिक और हाइपोवोलेमिक कई तरह के शॉक साथ में थे। बाबूजी इनिशियली स्टेड इन आर आई सी यू में इनिशियल रिस्पॉन्स वॉज नॉट वेरी गुड, लेकिन आफ्टर 3 or 4 days ही स्टार्टेड शोइंग सम इम्प्रूवमेंट, एंड आई थिंक फ्रॉम 1st till 9th ही वॉज इन द आई सी यू, ऑन 9th ही वॉज शिफ्टेड टू, ऑन 9th इज रिपोर्ट केम आउट टू बी नेगेटिव। अब वो ठीक होकर घर जा रहे हैं? अब बिल्कुल ठीक होकर घर जा रहे हैं, फिर वो आई सी यू में आ गए थे, अब तो इज ऑन रूम एयर।
करके अब तुमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, शुगर्स कंट्रोल्ड हैं, बीपी कंट्रोल्ड हैं, अब बाबूजी को हम घर पर डिस्चार्ज कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स ने, तमाम मेडिकल स्टाफ ने उनकी देखभाल की, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। मैम क्या बताना चाहेंगे खासकर उन मरीजों को जो थोड़े दिल के कमज़ोर होते हैं, उन्हें तमाम बीमारियां और भी होती हैं और वो कोविड 19 के शिकार हो जाते हैं, किस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना है और लड़ना है? एक्चुअली इसमें अच्छी डाइट और बेसिकली प्राणायाम का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो जो भी मरीज जिनके अंदर और किसी कोई बीमारी है, जैसे सांस की दिक्कत है या पहले से कोई, जैसे सीवीए था इन्हें जो गुप्ता जी थे, और साथ में डायबिटीज़ भी थी, तो मेनली बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की है। और उन्हें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी डाइट रखें, रोज़ प्राणायाम। तो आप देख सकते हैं कि जो 75 साल के राम कुमार गुप्ता हैं, जिन्हें तमाम और बीमारियां भी थी लेकिन उन्होंने कोविड 19 से वो लड़े और अब वो ठीक होकर घर जा रहे हैं। 1 अगस्त को वो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल आए थे लेकिन ट्रीटमेंट यहां पर अच्छा हुआ और अच्छा ट्रीटमेंट होने के बाद वो ठीक होकर घर जा रहे हैं। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आम जनता को और उन लोगों को होता हुआ नज़र आ रहा है जो कोविड 19 के शिकार हो जाते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।